31 जुलाई 2023 सावन महीने के चौथे सोमवार पर करें एक दिया पांच काली मिर्च वाला ये महा उपाय। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। महादेव जी की कृपा से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। 186 वर्षों बाद आया है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों 31 जुलाई 2023 सावन महीने के चौथे सोमवार के दिन अधिक मास की त्रयोदशी तिथि भी पड़ रही है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें पूरे 186 वर्षों बाद रवि योग और विषकंभ योग का संयोग सावन महीने के चौथे सोमवार के दिन बनने जा रहा है। और इस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार एक दिए और पांच काली मिर्च वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लेते हैं ना केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना भी शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और एक बात को समझ लीजिए महादेव जी अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस महीने जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की जरूर सुनते हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों सावन का महीना हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने की हर घड़ी हर पल गंगा जल के समान पवित्र होती है। इस महीने कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। उसी प्रकार से सावन महीने में पड़ने वाला प्रत्येक सोमवार अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रखता है। और आपने देखा भी होगा लाखों करोड़ों की संख्या में भारत ही में नहीं विदेशों में भी लोग सावन के सोमवार का व्रत करते हैं विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि अगर सावन के सोमवार के दिन कोई भी पूजा की जाए वो पूजा तो सिद्ध होती होती है। अगर आप सावन के सोमवार के दिन कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें इस बार 31 जुलाई 2023 को सावन महीने का चौथा सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है। इस दिन पूरे 186 वर्षों बाद विषकंभ योग के साथ रवि योग मिलकर के लग रहा है। और इस दिन अगर आप प्राचीन ग्रंथों के बताए हुए एक दिए और पांच काली मिर्च वाला उपाय करेंगे तो यकीन मानिए खुद महादेव जी आपके जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देंगे और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो एक ही दिन की पूजा से पूरी हो जाएगी। आप ये जरूर सोचेंगे कि आखिर कैसे एक साधारण से दिए और पांच काली मिर्च के उपाय से आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिल सकता है और आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों हमारे सनातन धर्म में दिए जलाने की जो प्रथा है वो प्राचीन काल के समय से चली हुई आ रही है। आपने देखा भी होगा दिवाली हो गया दशहरा हो गया महाशिवरात्रि हो गया इसमें जब भी पूजा की शुरुआत की जाती है वो एक दिया जला करके की जाती है। या आप दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो आपको पता चलेगा जब भी हमारे हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक काम होता है मांगलिक कार्य होता है उसकी पूजा की शुरुआत भी हमेशा दिया जला करके ही की जाती है क्योंकि दिया जलाना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। कहा जाता है कि दिया जलाने भर से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों जो काली मिर्च है उसका प्रयोग हमारे तंत्र शास्त्र में सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया है। कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति काली मिर्च का प्रयोग भगवान भोलेनाथ के सामने उनकी पूजा में करता है तो वो पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। इसीलिए दोस्तों अगर आपने सावन के इस चौथे सोमवार के दिन सिर्फ एक दिए और पांच काली मिर्च के उस उपाय को कर लिया जिसके बारे में शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है तो दोस्तों सिर्फ एक दिन के ही उपाय से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। न केवल आपका बल्कि आपके पूरे परिवार का भाग्य बदल जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें बहुत ही आगे जाएं भगवान भोलेनाथ का आपको वो वरदान मिले जिसके बाद आपके घर की बरकत हो आपके घर की उन्नति हो तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं सावन के महीने में वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। अगर सिर्फ एक दिन के उपाय से आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो ये महा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए 31 जुलाई 2023 के दिन आपको सबसे पहले तो व्रत रखना होगा। आपने व्रत रख लिया सुबह उठिए नहाइए धोइए नहाने धोने के बाद आपको सफ़ेद कपड़ा पहनना है। सफ़ेदी कपड़ा क्यों? भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगे। आपको चाहिए एक साधारण सा लोटा तांबे का उसमें पूरा गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल मार्केट में 20-25 रुपये का मिल जाएगा। आपको चाहिए 11 बेलपत्र। आपको चाहिए एक गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक और आपको चाहिए पाँच काली मिर्च के दाने।
आपने इतना कर लिया, अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, भगवान शिव जी की प्रतिमा के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद उसमें 5 काली मिर्च के दाने डालने से पहले भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र बोल दीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। अब ये जो बेलपत्र आप लेकर के आए हैं, ये बेलपत्र आप 11 की संख्या में लेकर के आए, आपको शिवलिंग पर पहले जाना है, एक लोटा जल अर्पित कर देना शिवलिंग पर। फिर आपने जो 11 बेलपत्र लेकर के आए, उस 11 बेलपत्र में से एक बेलपत्र उठाना है, शिवलिंग पर अर्पित करना है और 108 बार भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। इस बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। इसी प्रकार से आपको 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। सिर्फ इतना उपाय आप अगर एक दिन इसी विधि विधान से कर लेंगे, आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। पहला उपाय मैंने आपको बता दिया। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह धन प्राप्ति का महा उपाय। ये बहुत ही आसान सा उपाय है, इसके लिए आपको व्रत करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप बिना व्रत के भी पूजा पाठ कर सकते हैं। आपको 31 जुलाई 2023 के दिन नहाना है, धोना है, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं। सबसे पहले काम कीजिएगा, एक लाल कपड़ा लीजिएगा, एक लाल कपड़े में आपको कुछ चीज़ें रखी होनी होंगी। 1 रुपये का सिक्का रख लीजिए, उसमें आपको 1 मुट्ठी काली मिर्च रखनी है और 5 इलायची रखनी है। हम फिर से रिपीट कर दे दोस्तों, एक लाल कपड़े में 1 रुपये का सिक्का, 1 मुट्ठी काली मिर्च और 5 इलायची। अब आपने ये सब कुछ रख लिया, अब इस लाल कपड़े की आपको पोटली बनानी है। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद सिर्फ आपको यह करना है दोस्तों कि 1008 बार ओम नमः शिवाय का जाप भगवान भोलेनाथ के सामने करना है। सिर्फ इतना कीजिए और ये पोटली को आपको भगवान शिव जी की प्रतिमा के दाएं चरण से छुआना है और इसको ला करके अपने अलमारी में, तिजोरी में, जहां से भी आप पैसे का लेन देन करते हैं या व्यापारी हैं, व्यापार स्थान पर इस पोटली को रख देना है। सिर्फ इतना भर अगर आपने कर लिया, मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसी दोष आपके ऊपर लग गया था, कोई ऐसी परेशानी थी जिसके वजह से आपके पास धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे, वो परेशानी, वो दोष और वो समस्याएं हट जाएंगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी 2.5 चल रही है, तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं और जैसा भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। बहुत आसान सा उपाय है, आपको क्या करना है आपको हम बता देते हैं। देखिए 31 जुलाई 2023 सावन महीने के 4th सोमवार के दिन व्रत रखिए, सफ़ेद कपड़ा सुबह सुबह आपको पहनना है और एक काला कपड़ा लेना है। काला कपड़ा लीजिए, उस पर 1 मुट्ठी काली मिर्च डालिए, 1 रुपये का सिक्का डालिए, इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिए काले रंग की। किसी भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए और इस पोटली को अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए, बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुमाने के बाद मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर दीजिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर के घर वापस आ जाइए। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है और आपके ऊपर जो भी दोष होगा वह दोष आपके ऊपर से हमेशा के लिए चला जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, महादेव जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा, 31 जुलाई 2023 के दिन आपको सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और हर दीपक में एक एक काली मिर्च का डाल देना है। हर काली मिर्च को डालने से पहले ओम नमः शिवाय बोल दीजिएगा। इतना करेंगे अगर आप, तो मान के चलिए महादेव जी की आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं, आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए।